कल बतारीख 18 जून 7 बजे शाम से 10 बजे तक दारुसलाम में जलसे हज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर तमाम मुश्तरका मजलिस अमल ज़ेर सदारत नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट मुनक़िद किया जा रहा है। शम्मे मोहम्मदी के परवानों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हज़ारों की तादाद में शिरकत करके जलसे को कामयाब बनाएं और सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वाबस्तगी का सबूत दे। साथ ही साथ आमियतुल मुस्लिमीन महिबान मजलिस अराकीन असेंबली अराकीन बल्दिया सुदूर मुतमद्दीन कारगुनान मजालिस इब्तदाई ये तमाम से मेरी दरख्वास्त है कि कल 7 बजे तक दारुसलाम तशरीफ ला लें। 7 बजे से 10 बजे तक जलसे अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कार्रवाई चलेगी। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट का खुसूसी खिताब होगा। जलसे गाह के बड़े इंतजाम बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं, अभी दौरा किया गया, इंतजाम का जायज़ा लिया गया। एक जलसे गाह के एक हिस्से में ख़वातीन के लिए माकूल इंतज़ाम किया गया है पर्दे के साथ, और जलसे में हज़ारों की तादाद में फ़र्श का इंतज़ाम और सीढ़ियों का कुर्सियों का अहतमाम किया गया है। ज़ायरीन के लिए जलसे के शुरका के लिए अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। हमको तवक्को है कि लोग हज़ारों की तादाद में शिरकत करके जलसे को कामयाब करेंगे। मौजूदा हालात में हमको चाहिए कि हम मुत्तहिद रहें, इत्तेहाद के साथ रहें और सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ग़ुलामी को इस्तवार करें और अपने मिलने वालों को भी तवज्जो दिलाए कि वो दारुसलाम के इस मरकज़ी जलसे में ज़्यादा तादाद में शिरकत करके जलसे को कामयाब बनाएं। शुक्रिया।